हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज नकुल और ये एक्सयूवी रिपेयरिंग का पार्ट नंबर 2। और आज बहुत ठंड है गाइस, ये देखो धूप भी नहीं है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, चेक दिस आउट, और हल्का हल्का फॉगी वेदर है। बट एनीवेज एक्सयूवी के पार्ट्स कुछ आ गए हैं, लेकिन मेन क्वार्टर पैनल अभी तक नहीं आया। बट राइट साइड का दरवाज़ा आ गया है, बम्पर आ गया है, क्लाइडिंग आ गई है। एनीवेज वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो हियर इट इज गाइस, एक्सयूवी का राइट साइड का दरवाज़ा आ गया है पीछे का, प्लस नया बम्पर भी आ गया है, ये पड़ा है अंदर। उधर का दरवाज़ा नहीं आया और उधर का क्वार्टर पैनल भी नहीं आया, जो कि मेन साइड है, वही मेन है और वही आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो अभी तक नहीं आया। दरवाज़ा आ गया है, प्लस इसके क्वार्टर पैनल की यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्लाइडिंग लगती हैं वो भी आ गई हैं, तो लाइट भी अभी लगाने लगे हैं, शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइज, ये क्वार्टर पैनल की रिपेयरिंग हो गई है, डन। दरवाजे की फिटिंग बिल्कुल सही आ रही है, एज यू कैन सी। बाकी सारा पेंटिंग में कवर होगा। अब इलाइबिया, ये वाला जो अंदर गया हुआ है डेंट पूरा, इसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधा इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। तो गाइस, इधर की डेंटिंग हो चुकी है, एज यू कैन सी। अगर आपको लग रहा है ये अभी भी अंदर है, तो ये ऐसा नहीं है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही है। मैं आपको एक बार इधर से दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही है। तो अब बारी है इधर क्वार्टर पैनल का शीशा काटने की, बिकॉज ये क्वार्टर पैनल निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए शीशा काटना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो राजू भैया और इलाई भैया वायर से इसका शीशा काट के अलग करने जा रहे हैं, एंड कैमरा मैंने लगा ही रखा है, सो सीधा टाइम लैप शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फाइनली इसका लेफ्ट साइड का दरवाज़ा भी आ गया है, एज यू कैन सी। तो इसमें ऐसा कुछ दिखाने को था नहीं, तो इसका मैंने टाइम लैप्स कुछ बनाया नहीं, बस दरवाज़ा आया है और इलाही भैया ने इसको यहाँ पे लगा दिया है, इसके इधर से बोल्ट्स वगैरह लगा दिए हैं, तो इस टाइम गाड़ी पे लगा ही हुआ है। तो अब इसकी बस सेटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अंदर को है, तो डाउट ये है कि ये वाला जो मिडल पिलर है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो इलाई भैया इसको चेक कर रहे हैं। बाकी क्वार्टर पैनल अभी तक स्टॉक में नहीं आया, महिंद्रा में हमने ऑर्डर किया हुआ है, अब बस उसी का वेट है, क्योंकि जैसे ही वो आएगा तभी आएगा काम बढ़ेगा, ये कट के निकलेगा, नया क्वार्टर पैनल लगेगा, तभी पूरी फ्रेम की सेटिंग आएगी। तो एक अपडेट और है, इस तरफ उमर भैया ने बॉडी फिलर लगा दिया है, तो जहाँ पे पुराने वाला क्वार्टर पैनल रिपेयर हुआ था, एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, तो यहाँ पे बॉडी फिलर लग चुका है, दरवाज़ा आपने पहले देख ही लिया था। तो वैसे तो ये सारे काम बाद में हुए थे, लेकिन क्वार्टर पैनल में इतना टाइम लग रहा है, तो हमने सोचा कि बीच का टाइम क्यों ना यूटिलाइज़ करें, तो यहाँ पे बॉडी फिलर लगा दिया है। सो दिस इज़ बैक टू नॉर्मल शेप,
बाकी गाड़ी की हालत देख ही लो। ये देखो तो लाइबिया बेसिकली यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका रख के उस पर चोट मार रहे हैं ताकि ये पिलर जो हल्का सा बाहर की तरफ आए। तो अगेन इसमें भी ऐसा कुछ विजुअल रिकॉर्ड करने लायक है नहीं, तो मैं इसको टाइम लैप्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा आई विल लेट यू नो गाइस। मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, अनदर अपडेट। तो आज इसका फाइनली क्वार्टर पैनल कट रहा है, बिकॉज आज शाम तक या कल इसका नया क्वार्टर पैनल आ जाएगा, तो लाइबिया इसको काटने जा रहे हैं। तो होपफुली हमें यहाँ तक का नया पीस मिलेगा, ये जो लाइबिया निशान लगाया है। तो मेन डैमेज एरिया यही है, तो ये कवर हो जाना चाहिए, बाकी ये वाला हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलो इसको काट के निकालते हैं, इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। बिग बॉस के सुपर हीरो, आई डोंट नो, मौज मस्ती रेडी फॉर वीडियो, तो ऐसे बनेंगे धांसू, काम भी होगा धांसू। एक बार क्या होगा इस बात को, एक बार क्या होगा भाई, सही बोल रहा है, समझ लिए। सो हियर इट इज गाइस, फाइनली क्वार्टर पैनल कट चुका है और गाड़ी देख लो अंदर से बिना क्वार्टर पैनल के कुछ ऐसी दिखती है। सो इसमें भी यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक ये, एक जो हमने क्वार्टर पैनल काट के निकाला, यहाँ पे तीन है, एक जो हमने निकाला वो, और एक अंदर तीन, बिकॉज ये पिलर वाला एरिया है पूरा ये लंबा। तो क्वार्टर पैनल नया इसका कल सुबह आ रहा है, तो वो आपको कल सुबह दिखाता हूँ, एंड इसको भी सुबह एक बार आपको अच्छे से दिखाऊंगा। सो कैच यू टुमारो गाइस। द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड फाइनली एक्सयूवी का क्वार्टर पैनल आ गया है नया, एज यू कैन सी। और ये तो कल रात को ही कट गया था, कल शाम को एज आई शोड यू, एक बार डे लाइट में देख लो ठीक से। और इलाइबिया ने यहाँ पे रिपेयरिंग चालू कर दी है, बिकॉज ये वाला पीस हमें रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जब ये रिपेयर हो जाएगा उसके बाद क्वार्टर पैनल वेल्ड करेंगे, प्लस इधर राजू भैया सैंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो पूरी पुट्टी एंड बॉडी फ्लर लगा था, तो यहाँ पे सैंडिंग शुरू हो चुकी है, यू कैन सी। तो इधर मैंने कैमरा लगा रखा है, तो इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। We'll be right back.
टाइम फॉर अनदर अपडेट गाइस, एज यू जस्ट सॉ इलाही भैया ने क्वार्टर पैनल इस पर लगा दिया है, मतलब अभी प्रॉपरली लगा नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगह से स्पॉट्स मार दिए वेल्डिंग के, बाकी प्रॉपर वेल्डिंग इसकी मिग वेल्डर से होगी। अभी एज यू कैन सी कुछ कुछ जगह पे थोड़ी थोड़ी वेल्डिंग करी है एंड फिटिंग काफ़ी सही आई है, बाकी प्रॉपर वेल्डिंग जो है इसकी मिग वेल्डिंग से होगी। तो मिग वेल्डिंग की मशीन आ गई है, सो लेट्स कैरी ऑन विद द टाइम लैप्स। मेनी आवर्स लेटर, सो गाइस एज यू कैन सी लाइबिया ने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन लाइट चली गई है और पूरा गुप अंधेरा है, सो नो टाइम लैप्स विदाउट लाइट। तो जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस अपडेट कि काम तो हो रहा है, मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जला सकता हूँ, ये देखो, लेकिन नो लाइट। तो अब जब लाइट आ जाएगी तब मैं टाइम लैप्स बनाऊंगा, देखो आज नहीं तो फिर कल सुबह मिलता हूँ, लेट्स सी, आपको नेक्स्ट क्लिप में पता लग जाएगा। ओके पीपल, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मैं भी अब घर निकल रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो देन यू नो व्हाट टू डू, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, पीस आउट।